नाम दलजिंदर सिंह है, मैं पटियाला जिला पात्रा तहसील है हमारी, हरियाऊ खुर्द गाँव है। कृतिक किसान यूनियन की तरफ से हम लोग आए हैं। ये कृतिक किसान यूनियन 30 जथेबंदियाँ हैं पंजाब की, उनमें ये भी काम करती है कि ये भी जथेबंदी है, 30 में से एक ये जथेबंदी। हमारी मांग तो यही है, जो मोदी सरकार ने किसानों के जो 3 बिल पास किए हैं वो बिल वापस लें। सबसे बड़ी मांग हमारी यही है कि वो बिल वापस लें। और हमारी जो ये डिमांड है, सभी किसान जो चल के आए हैं उनकी यही डिमांड है, वे आराम से आए हैं, कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, कोई तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते। आज चार पाँच दिन हो चुके हैं, पाँचवा दिन है आज, पर 26 के चले हुए लोग, तो किसी ने किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया है। सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान सरकार ने खुद ही अपनी क्या किया है, किसान आराम से बैठे हैं। और हमारी डिमांड यही है कि ये 3 बिल वापस लिए जाएँ और किसान चुप करके यहाँ से चले जाएँगे, और क्या डिमांड है। दिल्ली के शहरी किस तरह से आपके जो संघर्ष है उसमें अपना साथ दे सकते हैं? दिल्ली के शहरों से यही विनती है कि वो पहले ये 3 बिल पढ़ लें और उसके बाद किसानों से बात कर लें कि क्या प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम क्या है इन बिलों के साथ सरकार, क्योंकि मोदी सरकार कह रही है कि इन बिलों का किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन ये बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, ये हमारे से भी पहले की खेती करते हैं, इनको भी मालूम है कि क्या नुकसान होगा। जथेबंदियों के बीच इतने साल, इतने 4 महीने लगे हमें वहाँ पंजाब में इस चीज़ को समझने में और समझाने में कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है इन बिलों के कारण। तो दिल्ली के लोगों को ये विनती है कि हम इधर बैठे हैं ना, आप लोग भी उस तरफ बैठ जाओ, इस सरकार को मालूम चले कि तानाशाही से कुछ नहीं होता, लोगों को जो चाहिए लोगों से पूछ कर लोगों को देना चाहिए, ये नहीं कि तुमने रोटी खानी है तो उसके मुंह में ब्रेड धूस दो, उसको रोटी की भूख है भाई, ब्रेड नहीं खाएगा वो, उसने चावल खाने हैं उसको चावल चाहिए, उसको रोटी मत उसके मुंह में घुसो। तो ये विनती है हमारी दिल्ली के लोगों से कि हमारा प्रोटेस्ट है जो ये हम लोग वहाँ से बाकी ये मीडिया दिखा रहा है, आज तक दिखा रहा है, जी न्यूज़ दिखा रहा है कि आतंकवादी हैं, मैं आप लेडीज़ 4-5 घूम रही हैं यहाँ पे, आपको इतने कितने आतंकवादी लगे, आपको किसी ने कोई कमेंट किया, आपको किसी ने कोई गलत बोला? ये बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, सारी बैठे हैं, और लड़के कितने घूम रहे हैं, नौजवान सबसे ज़्यादा आया पंजाब से इस बार इस संघर्ष में कूदा है, क्योंकि नौजवान बेरोजगार है, उन्होंने इस चीज़ को समझा है कि जो हमारी इनकम है वो आधी रह जाएगी, आधी कैसी रह जाएगी, हम 4 हिस्से, अगर मान लो हमारी जो चावल की खेती है 1 एकड़ में से हम 60,000 की निकालते हैं, उसमें से 15,000 तो हमारा खर्चा निकल गया, पीछे हमारा बचा 45,000 रुपया, 45 से हम लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन जो मोदी के बिल हैं, बिहार में जो सिस्टम चल रहा है, हमारी 900,000 रुपये में बिकी तो हमारी जीरी वो जो 60,000 की थी वो 30,000 की रह जाएगी, 30 में से 15,000 तो खर्चा निकल जाएगा उसका, लवाई का, बुआई का, स्प्रे, जो भी हमारा खर्चा आता है। जो आदमी एक साल में 45,000 से खर्चा चला रहा था वो 15,000 से कैसे खर्चा चलाएगा? मोदी जी बोलते हैं कि आया दुगनी हो जाएगी, ये कौन सा मैथ है मेरे को तो समझ में नहीं आता। अगर दिल्ली वाले लोगों को ये मैथ समझ आ जाए तो वो इस बात पे गौर करें कि ये मैथ कोई सही है, अगर ये मैथ सही भी है, हम लोग गलत हैं, ये जितने किसान हैं झूठे हैं, तो बिहार के लोगों की आया क्यों नहीं बढ़ी, उनका इन्होंने बंद किया है ना, वहाँ के किसान जब कोई व्यापारी जाता है तो उनके पाँव में पड़ पड़ कर बोलते हैं मेरी प्लीज़ ढेरी उठा लेना, ये मेरी ढेरी खरीद लो प्लीज़, क्यों करते हैं? पंजाब के लोग नहीं ना करते, क्योंकि पंजाब के लोगों का मंडीकरण था, अच्छा मंडीकरण होता था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लमें थी, उसमें भी कुछ ना कुछ होता था, कभी नमी की प्रॉब्लम जब किसी की, चलो वो चलती थी आड़ती के साथ मिलके जंग जैसे भी चल रहा था काम, लेकिन ये तो बिल्कुल टूट जाएगा जी, ये कर रहे हैं हम, नई मंडियाँ लेकर आएंगे, नई मंडियाँ बनाएंगे, नई मंडियों से क्या करेंगे हम लोग, एक साल महंगा खरीद लेंगे, ये सरकारी मंडियों को तो चला नहीं रहे अच्छे से, महंगी मंडियों में क्या करेंगे जब हमारा रेट ही 800-900 लगेगा, हम अच्छी मंडियों को क्या करेंगे? ये तो जुमले हैं जी उनके, 15-15 लाख आप सबका भी आ गया होगा, नाले दिल्ली वालों का आ गया होगा, हमारा तो आया नहीं अभी तक, अगर दिल्ली वालों का आ गया तो फिर पंजाब वालों को भी बता दें कि क्या सहायता है, हम लोग भी वैसे कर लेंगे जी कुछ। और जो इनकी जितने भी इन्होंने इसमें डाले हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डाला है या कुछ भी डाला है, वो किसानों के हक में नहीं है। पंजाब के लोगों ने एक छोटा सा वहाँ सरहद के नेड़े हमारे ना, वहाँ वो आई थी जी पेप्सी वालों आए थे, उन्होंने आलू खेती करवाई थी, उसमें हम लोगों ने देखा है कुछ पैदा नहीं हुआ, वो आलू एक साल खरीदे, दूसरे साल मंडी में आलू का रेट सस्ता हो गया, वो एक ऐसा कड़ा ले आएगा, उसमें जो आलू निकलेगा वो तो भाई हम खरीद लेंगे, दूसरा आलू का आपका साइज सही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतने सारे उलझने होती हैं कि ये जो मेरा अंकल बैठे हैं ना, इनको बिल्कुल नहीं समझ आएगी, जो हमारे जैसे पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे, उनको वकील, पहले तो हमारे अपने बच्चे को पढ़ा लगा कर वकील बनाएं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के वो साइन करेंगे,
कोई एस डी एम हमारी गरीब किसान की नहीं सुनेगा। 3 एकड़ वाला किसान हूँ जी मैं, 4 एकड़ वाला, मेरी एस डी एम नहीं सुनेगा, वो कंपनी वालों की सुनेगा जी, कैसे हम लोग करेंगे। इसमें बहुत सारे उलझने हैं, इस कानून को पहले पढ़ें दिल्ली के लोग और फिर उस तरफ बैठ जाएं। हम लोग तो बोलते हैं कि बीच में बैठे हैं ना, ये जो भी बैरिकेडिंग की है, आर्मी लगी है या पुलिस लगी है, जो भी लगा है उसके परली तरफ आप बैठ जाएं। हम भी आराम से कर रहे हैं, कोई उधर उड़द खुर्द नहीं कर रहे। जहाँ तक आने लिए हमने जोर लगाया, डांगे भी खाए हैं, पानी की बछाड़े भी हुई हैं, हम लोग आए हैं, लेकिन किसी पुलिस वाले को नुकसान नहीं किया है, किसी के ऊपर वार नहीं किया। अपना जो उनका सामान रखा था उसको उठा के दूर फेंक के निकल के यहाँ आकर बैठ गए हैं हम लोग। इन्होंने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, पानी भी छोड़ा है, सब कुछ न्यूज़ में देख ही रहे होंगे आप लोग। और हमें आतंकवादी बता रहे हैं, ये बापू बैठे हैं, ये अंकल बैठे हैं, ये सभी बैठे हैं, ये कौन सा आतंकवादी है? ये आतंकवादी लगता है? आप बताएं कौन से आतंकवादी है? हम लोगों को अपनी अपने गुजारे के लिए जो काम कर रहे हैं उसको चलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। हम जो कर रहे हैं वो हमारा कामयाब हो जाए, क्योंकि जो जितना खाते हैं वो तो खाते रहे भाई, उसमें से भी निकल गया तो काम बन गया जी।